और क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम अमृतपाल। तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि मैंने पल्सर 180 परचेज की है, तो हम फ्यूचर में इसके अंदर मॉडिफिकेशन कराने वाले हैं। तो हम इसे पल्सर 180 एफ में कन्वर्ट करने वाले हैं अब, ठीक है। ये भी मेरी बाइक है। तो पर हमने इसके लिए कुछ पार्ट्स मंगाया है ताकि हम इसे 180 या 220 के अंदर कन्वर्ट कर पाए। तो उसमें आपको मैं खर्चा दूँ क्या खर्चा आने वाले हैं। हमने कुछ पार्ट्स ऑर्डर कर दिए हैं, तो काफ़ी जुगाड़मेंट हो गया इसके ऊपर काफ़ी कुछ। और लास्ट टाइम मैं माइलेज बताना भूल गया था, इसकी माइलेज क्या, इसकी माइलेज है 40 km पर लीटर की माइलेज देती है। अभी भी ये बाइक 2016 मॉडल है, ठीक है, BS3, और माइलेज अभी भी 40 देती है एकदम। और पावर इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है इसके मुकाबले, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि थोड़ी दहाड़ती ज़्यादा है। BS3 है इसका, CDI थोड़ा अनलॉक है, स्पीड टॉप स्पीड थोड़ी ऊपर जाती है इसकी। तो बाइक अपनी जगह बहुत सही है ये वाली। तो हम इसे कन्वर्ट करने वाले हैं पल्सर 180 एफ के अंदर। तो उसके लिए पहले हम इसका वाइजर उतारने वाले हैं, वाइजर हम चेंज करेंगे। वाइजर का मैंने ऑर्डर दे दिया ये वाला वाइजर। तो इसकी कॉस्ट मुझे पड़ रही है 3500 की कॉस्ट पड़ रही है, 3500 की कॉस्ट पड़ रही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, शायद 200-300 रुपये ऊपर नीचे होएगा। उसका ब्रैकेट आएगा उसके अंदर और उसकी पूरी फेयरिंग आएगी। ब्रांड न्यू परचेज कर रहे हैं हम जेन्युइन पार्ट से, और वाइजर लेंगे इसका 220 वाला, ठीक है। उसके अंदर ही उसका असेंबली होएगी लाइट्स वगैरह की, ठीक है, मिरर्स वगैरह सब इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। उसके बाद इसका पिछला व्हील ड्रम ब्रेक है, तो उसको हम डिस्क ब्रेक में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसमें पहले तो पूरा रिम चेंज होएगा, ये वाला जो बाइक का ये लोहे का रिम है ना, ये वाला, तो ये पूरा चेंज होएगा, ठीक है। और उसमें डिस्क वाला रिम लगेगा, 230 mm की डिस्क लगेगी अलग से, ठीक है। रिम चेंज डिस्क लगेगी, और कैलीपर लगेगा जो डिस्क को पकड़ता होता है, इसके अंदर डिस्क पैड वगैरह होते हैं, तो कैलीपर लगेगा इसका। तो यहाँ से भी थोड़ी बहुत असेंबली चेंज होगी, तो इसमें काफ़ी खर्चा, इसमें मेरे ख्याल से 10 से 15 हज़ार का खर्चा तो इसी के अंदर आ जाएगा, पिछले टायर के अंदर। आगे 3500 का खर्चा आ जाएगा वाइजर के अंदर। और इसमें लगवाने वाले हम काउल, इंजन काउल जो उसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है पल्सर 180 में काउल लगा हुआ है। तो ये परचेज तो करना ही पड़ेगा, बट यहाँ पर नट वगैरह की असेंबली लगवानी पड़ेगी, पत्ती लगवानी पड़ेगी, तब जाके फिट बैठेगा। उसके बाद हम इसमें करवाने वाले हैं, तो बस इतना ही काम है, इतना ही करवाएंगे तो काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। बाकी मैं एग्जॉस्ट का देख रहा हूँ कि एग्जॉस्ट अगर इसका कहीं से मिल जाए, वैसे तो हम देख रहे दिल्ली से मिल जाए, अगर दिल्ली से, अगर मैं पल्सर 220 का एग्जॉस्ट लगवाने वाले हैं इसके अंदर, तो अगर दिल्ली से लेंगे तो हमारा खर्चा 2000-1500 तो कुछ है, पर अगर हमें जेन्युइन खरीदना पड़ गया तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा, उसका 8 से 9 हज़ार का खर्चा है उसका, विंड पाइप और उसकी सारी असम्बली। कोशिश करेंगे भाई मिल जाए, अगर नहीं मिली तो यहाँ से कटवा के सिर्फ 220 का एग्जॉस्ट लगा लेंगे, जो रॉकेट लॉन्चर एग्जॉस्ट है इसका। तो इसका टोटल खर्चा आ जाएगा 15,000 पीछे का लगा लो, ठीक है, 3500, 18,500 और अपना 2-3 हज़ार उसके लगा लो, 20,000। कुछ पार्ट्स नए होंगे, कुछ पार्ट्स पुराने होंगे, तो कोशिश करेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग होगी, पहले तो मैं कुछ दिनों तक इसके अंदर पहले डेंटिंग पेंटिंग का काम कराऊंगा इस बाइक को, हो सके पूरा न्यू टाइप करूँगा, जिधर पेंट वगैरह आ गया, डेंट वगैरह है देखो, ठीक है, तो डेंट वगैरह निकलेंगे, पेंट फूट होएगा। उसके बाद जब तक पार्ट्स आते हैं तो आपको पूरी गाइड बताऊँगा कि क्या क्या इसमें काम होने वाला है, सारा प्रोसेस बताऊँगा कि आप पल्सर 180 या 150 को 220 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है जरूर से लाइक करें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आगे जाके पूरी गाइड आने वाली है। आपको कोई भी सवाल है इसके बारे में, कोई पार्ट्स के बारे में अपने प्राइस पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगता है जरूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।